हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 20 मई और आप सभी के लाया हूँ फिर से इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में। तो इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ चुके हैं और साथ में कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। तो क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे रहे और इस क्वार्टर रिजल्ट के बेसिस पे हमारे को इसके प्राइस मूवमेंट पे क्या देखने को मिल सकता है, हम वो साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए क्वार्टर फोर रिजल्ट्स, जहां कंपनी ने रिपोर्ट किया है आज वेनसडे को 3-fold का जंप देखने को मिला है इनके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट्स पे, जो कैलकुलेट होके आ रहा है 3,243 करोड़ फॉर द मार्च क्वार्टर। और ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करें तो पिछली बार ही 1,064 करोड़ के प्रॉफिट थे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस हमारे को 3-folded का जंप दिख रहा है। और वहीं अगर नॉर्मलाइज प्रॉफिट की बात करें, नॉर्मलाइज मतलब कैसे, जो इनको बेनिफिट्स मिले हैं टैक्स लाइबिलिटीज में, उसकी वजह से ये 3-folded जंप दिख रहा है। अगर वैसे नॉर्मल प्रॉफिट देखे जाए तो इनके 1,131 करोड़ है, तो लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी इन्होंने अगर नॉर्मलाइज प्रॉफिट देखें तो लगभग 6.29% के प्रॉफिट देखने को मिले। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स बताए जा रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के। और वहीं अगर इनके कंसोलिडेट सेल्स की बात करें, इस क्वार्टर में लगभग 10,579 करोड़ रही है, जो लगभग 13% डाउन रही है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में, जो लगभग दिसंबर 2019 में 12,170 करोड़ थी। तो क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमारे को अच्छा खासा जंप दिख रहा है, 3-folded ही जंप हम इसको बोलेंगे, क्योंकि बेशक इनको टैक्स बेनिफिट्स मिले हैं, प्रॉफिट तो प्रॉफिट है एंड ऑफ द डेट। और जहां इनकी सेल्स घटती हुई नज़र आ रही है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में, वो सबको पता है COVID-19 के चक्कर में जो लॉकडाउन हुआ था, कंपनीज बंद हुई थी, जो काम नहीं हो पाया था, उसकी वजह से ये सेल्स हमारे को कम देखने को मिली है। तो वहीं सेल्स कम होने के बावजूद भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमारे को इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी ने अनाउंस किया है लगभग 13 रुपये का डिविडेंड, इसकी फेस वैल्यू है लगभग 10 रुपये, जो इनका एक इक्विटी शेयर है। और वहीं अगर हम आज इसमें देखें रिजल्ट्स के दौरान, इसमें लगभग 23% की डिलीवरीज देखने को मिली, एक डिसेंट डिलीवरीज हमारे को देखने मिली जब मार्केट क्लोजिंग टाइम में था, तो इसमें हमारे को रिजल्ट आता हुआ दिखा। और वहीं आज लगभग 103 पॉइंट हमारे को तेज भी दिखा। तो अब इसके वनडे के चार्ट पे आ चुके हैं, वन आर के चार्ट पे आ चुके हैं। तो वन आर के हमारे को इसमें चार्ट में क्या दिख रहा है, पिछली 5 तारीख से लेकर अगर हम आज की तारीख तक की बात करें, तो इसमें हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, जो वॉल्यूम है इसमें अबव द एवरेज में हमारे को ग्रीन स्ट्रिक्स ज़्यादा दिख रही है, मतलब कि इसमें लगातार बाइंग होती जा रही है। चाहे इस प्राइस में आप इसको थोड़ा भी नीचे लाओगे, तो मतलब 3300 के पास अगर आपको मिलता है, तो वहाँ इसमें लगातार एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमारे को डेफिनेटली इस लेवल पे देखने को मिल रहा है। वही सेम यहाँ स्ट्रिक्स में हमारे को अबव द एवरेज स्ट्रिक्स में देखने को मिल रहा है, तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है इसके निचले स्तरों पर, लगातार इन्वेस्टर कोई है बड़ा जो इस लेवल पे इस स्टॉक को लगातार खरीदे जा रहा है, चाहे आप जितना मर्जी गिरा दो। वहीं अगर हम वॉल्यूम प्राइस की बात करें, तो सेम चीज़ हमारे को यहाँ को देखने को मिल रही है, जो 3250 के लेवल है वहाँ इसमें वॉल्यूम चढ़ जाता है लगभग 3600 तक। तो इसमें जो ये रेंज है, इस रेंज में हमारे को काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग इस रेंज के बीच में देखने को मिल रही है, जहाँ निचले स्तरों पर इस पर वॉल्यूम चढ़ जाते हैं, मतलब इसको कोई ऊपर खींचता है, और ऊपले स्तरों पर इस पर लगातार हमारे को बिकवाली दिख रही है। अब आ चुके हैं क्वार्टर फोर रिजल्ट्स, या तो इसके ऊपर या इस रेंज में, क्या करें इसमें आगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले फैब्रिकनेटर के रिट्रेसमेंट देखेंगे। तो फैब्रिकनेटर के रिट्रेसमेंट, जहां इस साल के स्टार्टिंग में लगभग 4,750 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, वहीं उसमें हमारे को भारी गिरावट देखने को मिली और लगभग 3,000 के लेवल हमारे को ये टच करता हुआ है। उसके बाद इसने अप आया और लगभग 3600 के आसपास पहुंचा, फिर 3600 के आसपास इसमें हमारे को फिर से प्रॉफिट बुकिंग दिखी। उसके बाद एक कंसिस्टेंट 3600 के लेवल पे जाता है, वहाँ इस पे सेलिंग प्रेशर आता है और नीचे 3250 के आस लेवल पे आता है और वहाँ इसमें बाइंग दिख रही है। तो अभी भी क्वार्टर रिजल्ट्स के आसपास है, लगभग 3545 पहुँच चुका है। तो जो ऊपरा लेवल है जहाँ पे इसको लगातार सेल ऑफ किया जा रहा है, ये इसका तोड़ना बहुत ज़रूरी है, जो लगभग है 3626 के आसपास। ये अगर इसके ऊपर आने वाले दिन में कल मेंटेन करता है इसके क्वार्टर रिजल्ट्स को देखते हुए, तो हमारे को डेफिनेटली इसमें आगे जाते हुए प्राइस सबसे पहले हमारे को 3750 दिखेगा, और 3750 की जगह लगभग 4000 जाते हुए दिखेगा अकॉर्डिंग टू फैब्रिकनेटर रिट्रेसमेंट। वहीं अगर हम इसके ट्रेंड देखें, तो ट्रेंड आपके सामने है, लगातार एक ही लेवल 3250 और 3600 के आसपास के बीच में ये लगातार घूमता हुआ जा रहा है।
तो अब रिजल्ट आके ये लेवल इसको डेफिनेटली तोड़ना होगा एक अपर मोमेंट के लिए विद द स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम इसके वन आर के चार्ट पे हमारे को लगातार दिख रहा है कि इस पे एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रीन जोन में हमारे को दिखता है उस चार्ट में, जो दर्शाता है कि बाइंग साइड में इसमें भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमारे को दिख रही है। वहीं आ चुके हैं वनडे के पावेट पे, तो पावेट क्या दिखा रहा है, लगभग रेजिस्टेंस अब हमारा इसमें शिफ्ट हो चुका है 3250 से ऊपर। अब लगभग जो हमारे में इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी प्राइस में फ्रॉम लोअर लेवल लगभग 3411 के आसपास दिखेगी, और इसके टारगेट्स अकॉर्डिंग टू दिस लगभग 3797 लगभग मतलब 3800 के आसपास इसमें हमारे को टारगेट्स टच होते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर हम बॉलिंजर बैंड के हिसाब से देखें तो बॉलिंजर बैंड कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये शेयर लगातार पिछले कुछ टाइम से एक ही प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिली, इसलिए बॉलिंजर बैंड में हमारे को जो अपर बैंड दिखाता है 3617 पे दिखा रहा है कि ये एक लेवल है जहाँ इस पे फिर से हमारे को प्रेशर आता हुआ दिख सकता है। तो इसीलिए मैंने बताया कि ये लेवल इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर इसको निकलना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे को इसमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और वहीं अगर वनडे के चार्ट में हम इसके सारे ईएमएस देखें तो 20 से ऊपर तो ये आ चुका है, वहीं 50 को टच कर रहा है, और 50 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा इस शेयर के लिए अगर ये इसको तोड़ के नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में या गैप अप ओपनिंग हमारे को दिखती है, या इसके ऊपर अगर डायरेक्ट खुलता है मतलब 3545 के अगर ऊपर डायरेक्ट खुलता है, मान लो आपका 3560 भी अगर ये शेयर ने ओपनिंग दिखी तो 3545 हमारे को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस शेयर में देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट्स पे इसके चार्ट पे हमारे को इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी अपवर्ड मूवमेंट्स की आ रही है। मैं ये नहीं बोलूँगा लगभग 4750 एकदम से पहुँच जाएगा, पर कुछ जगह है जहाँ इसमें डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग हमारे को देखने को मिल सकती है। जो पहला लेवल है लगभग 3800 के आसपास है और दूसरा लेवल 4000 के आसपास है, तो इसको अगर अपने प्राइस पे वापस लौटना है तो ये बड़े दो जो रेजिस्टेंस है अपर लेवल पे ये इसको तोड़ने होंगे। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड नहीं है और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, मैं अपनी डेफिनेटली राय देना चाहूँगा, और आप मेरी राय से मुकर भी सकते हो। आप इसमें बाय कॉल लेके टारगेट 3800 तक आपको जाता हुआ दिख सकता है, तो 10 शेयर भी लोगे आप तो 10 शेयर में भी अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें कमा सकते हो विदाउट टेंशन, ऐसा मेरा मानना है, आप मेरी राय से भी मुकर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो लगा हो इन्फॉर्मेटिव प्लीज वोट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को यार, मोटिवेशन मिलता है, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पूछिए, डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, मेरा जॉब बनता है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।